क्योंकि मेरे अंदर बुंदेलखंड के उन जानदार और शानदार दमदार लोगों का आशीर्वाद हर दम साथ चलता है और मेरी गर्जना हमेशा पूरे देश में हुंकार भरती है। यह आप सबकी ताकत है। आप सब समाज रूपी माने जिस बेटे को जन्म दिया है और जिस बेटे को जन्म दिया है आप सबने, ये बेटा राकेश पाल यूं ही बड़ा नहीं हो गया है। आप सबकी अथक मेहनत, आप सबका अथक परिश्रम और इस बुंदेलखंड की रस से क्रांतिकारी एक नेता पैदा हुआ है, वो हमारा देश का नेता है राकेश पाल। ये राकेश पाल आपका ही नेता नहीं है, ये हिंदुस्तान के उन तमाम युवाओं का नेता है जिसकी दम से आज हिंदुस्तान के 12 करोड़ पाप बघेल समाज के युवाओं की गर्जना हुंकार भरती है। ये उनका नेता है राकेश पाल। जिला पंचायत अध्यक्ष बना करके पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया था। आप सबकी ताकत से ही उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को राकेश पाल को राज्य मंत्री का दर्जा देना ही होगा। मैं आपसे मांग करता हूं कि क्योंकि मुझे आपकी ताकत पर भरोसा है, जो बुंदेलखंड के लोग जिला पंचायत दोनों बार जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकता है वो राकेश पाल को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिला सकता है। मुझे आप सबकी ताकत पर भरोसा है। आज का ये भाषण, ये हिंदुस्तान के तमाम 12 करोड़ हमारे समाज के लोग आपकी जन अदालत न्यूज चैनल के माध्यम से और ये तमाम हमारे मीडिया वाले चैनल से भी चल रहे हैं, इनके माध्यम से पूरे देश में आवाज जा रही है। मैं अपने देश के सरकार के मोदी सरकार के हनुमान के रूप में जिन्हें एसपी सिंह बघेल साहब कहा जाता है, बघेल साहब आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे पूरे देश को आप पर गर्व है कि आप हमारे समाज का मान सम्मान मोदी सरकार में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने एक वचन दिया था, मैं उस वचन को याद दिलाने जा रहा हूं क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है। आप हमारे नेता हो, आपने कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले तुम्हारे नेता को राज्य मंत्री का दर्जा दिलाया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आज मैं अपने बुंदेलखंड की गोद में बैठा हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि वो वक्त आ चुका है। आप मोदी सरकार में और योगी सरकार में एक सम्मानी के रूप में नेता माने जाते हैं, आखिर वो वक्त कब आएगा जब राकेश पाल को आप राज्य मंत्री का दर्जा दिलाएंगे? ये हमारी समाज की मांग है। आज ये वो तमाम युवा यहाँ पर बैठे हैं, मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ, राकेश पाल किसी भी पार्टी के छत के नीचे हो, जब आप पर अन्याय अत्याचार होगा तो उन दीवारों को तोड़ करके आपकी हिफाजत करने का काम करेंगे, आपके मान सम्मान में खड़े होंगे। ये मुझे उनकी मुझे पूरा भरोसा है। मैंने राकेश पाल जी के साथ झांसी से लेकर के महाराष्ट्र तक की सभाएं की हैं। राकेश पाल ने आपके लिए कितना पसीना बहाया है, कितना धन खर्च किया है। आज हवाई जहाज से बैठ कर महाराष्ट्र कर्नाटक तक की सभाओं में दहाड़ते देखा है। यह आपके मान सम्मान की जमा पूंजी है, नहीं तो राकेश पाल को क्या जरूरत थी कर्नाटक राजनीति करने की? ये बुंदेलखंड के सम्मान की बात है और बुंदेलखंड के सम्मान को बरकरार रखने के लिए बुंदेलखंड का नाम पूरे देश में नाम रोशन हो, ऐसी राकेश पाल की संघर्षों की कहानी है। और जिस तरीके से बताया जाता है कि जब वो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे तो बंदूक के लेसन दिए, रोजगार देने का काम किया है, निश्चित तौर से मुझे भरोसा है कि वो वक्त दोबारा से आएगा और आपके युवाओं को रोजगार मिलेगा, फिर से आपका मान सम्मान मिलेगा, मुझे भरोसा है। और मैं आपसे कहने आया हूं, चाहे मौत के लोग बैठे हो, चाहे उरई के लोग बैठे हैं, ये सभी लोग मेरे सम्मानीय लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अब तक दीपावली के त्योहार को भूल करके भी इतना वक्त दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वक्त राकेश पाल के लिए है, दिल में आपकी जगह राकेश पाल के लिए, आप फिदा है राकेश पाल की दीवानगी पर, इसीलिए आप अपना वक्त दे रहे हैं और सुन रहे हैं, नहीं तो कब का उठकर चले जाते हैं आप लोग। कहीं ना कहीं आपके सीने में दर्द है कि राकेश पाल को कुछ बनना चाहिए, राकेश पाल को आगे आना चाहिए। और मुझे भरोसा है कि जब जब संकट होगा हमारी समाज पर, सबसे पहले
की बुंदेलखंड के युवाई पूरे उत्तर प्रदेश की समाज के मान सम्मान में आप सब आगे आएंगे, मुझे आपकी ताकत पर भरोसा है। जिस तरीके से मैंने सर्वप्रथम देखा था लखनऊ के अंदर जब राकेश पाल ने विधानसभा को घेरने का काम किया था, जब समाज पर आरक्षण की बात आई थी उस समय विधानसभा घेरने का काम किया था, तो निश्चित तौर से आप लोगों के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ जो मैं बचपन से ही कहता आया हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरा देश जानता है, युवा जानते हैं, मैं हर दम कहता हूं और कहता रहूंगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर लोग कभी पार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल ना हो जाओ इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिलाना दो, नीचेन को त्यागो, तुम कुछ किए बगैर जयकार नहीं होती, कोशिश करते होते कभी हार नहीं होती। ये कोशिश जारी रखिए। आज जिस तरीके से बहुत से युवाओं ने आज भाषण दिया, उनके मान सम्मान की बात कही, मैं आज राकेश पाल जी आपसे मांगना चाहता हूँ कि इन युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। जो युवा आज समाज के बीच में हुंकार भरते हैं, उनकी हुंकार को और आगे ले जाइए, उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आज हमारे बीच में दो दो बहनें बैठी हैं, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से रानी पाल जी, उत्तर प्रदेश से प्रभा पाल जी, ये दो बहनें हैं। इन दो बहनों ही की जोड़ी निश्चित तौर से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बहनों को काफिला खड़ा करेगी, मुझे इनकी ताकत पर भरोसा है। ये बहनें बहुत आगे जाएंगी और निश्चित तौर से हमारा चैनल पाल समाज की जितनी हमारी माँ बहनें हैं उनकी आवाज को बढ़ाने का काम करेगा। मैं वचन देता हूँ आपकी आवाज को दबने नहीं दूंगा, मैं वचन देता हूँ कभी भी आपके सम्मान में कमी आएगी तो सबसे पहले मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, और फिर सामने कोई भी हो बिगाड़ नहीं सकती। मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूँ और युवाओं से मैं निवेदन करने आया हूँ, आपके सम्मान में कमी नहीं आएगी। जो वक्त बचा है इस वक्त में कुछ लेकर कर गुजरने की जरूरत है। हाकिम पाल जी, संजय पाल जी और विजय दल से लेकर बिहारी पाल जी, आपने वर्षों पूर्व संघर्ष राकेश पाल के साथ किया है, ये वफादारी और ये ईमानदारी कल के दिन हिंदुस्तान में एक बड़ा कारवा लेकर के आएगा। और जिन लोगों ने भले ही राकेश पाल के साथ गद्दारी की हो या इधर उधर चले जाते हो, मुझसे भी फोन करके बहुत कहते हैं कि राकेश पाल में जो कमी है वो कमी है, अब मेरी आवाज को सुनिए, पत्रकार लिखिए आप। मैंने राकेश पाल जी से कहा कि ये कमियां बताई जाती हैं, तो राकेश पाल जी ने कभी उप नहीं किया है, कभी उनका नाम नहीं लिया है कि कौन वो लोग हैं। मुझे पता है कि जितने राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा आपको, वही लोग आपके बदल उठे बैठेंगे। और मैं ये भी आपसे कहने आया हूँ कि यदि वो बगल में आए तो मैं विरोध करूंगा। परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा में साथ दोगे तो हमारे हो, और रिजल्ट आने के बाद साथ दोगे तो अब हमारे नहीं हो आप, तो मेरा आपसे निवेदन है। तो आज ये संकल्प हम लेकर के जाएंगे। और राकेश पाल जी, जब जब हमारे समाज पर अन्याय हो तो आप अकेले बुंदेलखंड के नेता नहीं हो, मध्य प्रदेश के भी नेता हो। हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे मध्य प्रदेश में विधायक पैदा करेगा और हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को सम्मान दिलाएगा, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि मैं टूट ना जाऊं कभी आपकी इस तरीके की को देख करके। इसलिए आप लोग एकजुट रहेंगे तो मेरी ताकत हमेशा खड़ी रहेगी कि आप लोग मेरे साथ खड़े हैं। हाथ ऊंचे खड़े करके बताया कि आप लोग मेरे साथ खड़े हैं इस लड़ाई में, और हम आगामी वक्त में निश्चित तौर से राकेश पाल को राज्य मंत्री का दर्जा दिलाने में कामयाब होंगे। ऐसी मैं आपसे आज जोर मिन्नत करने के लिए आया हूँ। बस यही कहने आऊंगा कि वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को हम जगाते हैं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। देखिए ऐसा है, जो नेता देश का नेता होता है वो उन पदों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छे अच्छे लोग राकेश पाल को कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री, कर्नाटक का मुख्यमंत्री राकेश पाल को मंच पर बुलाता है, सम्मान देता है। नेता समाज की पूंजी जिसके पास है वही सबसे बड़ा नेता माना जाता है। चाहे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, चाहे कर्नाटक का मुख्यमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, राकेश पाल को सम्मान देता है, पदों से कुछ नहीं होता। मैं भी नहीं मानता मैं कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ,
लेकिन जब मेरी आवाज पूरे देश में आपकी जनादरा चैनल के माध्यम से पहुंचती है, पूरे हिंदुस्तान में कारवा खड़ा हो जाता है। इन पदों के पीछे हम नहीं पड़ते कभी, इन पदों के हमारे अंदर कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग मांग कर रहे हैं कि जिला अध्यक्ष क्या होता है, जिला अध्यक्ष हम काम करेंगे तो जिला अध्यक्ष क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारा साथ देंगे। मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, मेरी इस शहद को सदा दिल में महफूज रखना। बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।